अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। इन रहस्यों को समझने के लिए अंतरिक्ष यात्री अक्सर मिशन पर जाते रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना पता चल जाए उतना कम है। ऐसे में वैज्ञानिक इन रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी है जो हीरे से बना हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे महंगी चीजों की जब भी बात होती है उसमें हीरा जरूर होता है। धरती पर ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जिनकी कीमत का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। कोहिनूर उसी का एक उदाहरण है। लेकिन आज हम आपको पृथ्वी पर मौजूद किसी हीरे के बारे में नहीं बताने वाले हैं, बल्कि एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने वाले हैं जो खुद पूरा का पूरा हीरे से बना है, यानी इसकी हर एक परत हीरे की है। पैसा ही पैसा हो गया। सोचिए, अगर धरती के वैज्ञानिक भविष्य में यहाँ कोई अंतरिक्षयान भेजने में कामयाब हो गए तो धरती पर भी हर इंसान के पास हीरे ही हीरे होंगे। आर यू कॉमेडी मी? आज हम आपको जिस ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस ग्रह पर इतना हीरा आया कहां से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह के आगे कोही नूर की चमक भी फीकी पड़ जाए। चलिए आपको लेकर चलते हैं इस ग्रह के अद्भुत सफर पर और देते हैं आपके सब सवालों के जवाब। इस ग्रह की पृथ्वी से दूरी की अगर बात करें तो ये पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की इस ग्रह पर नजर बनी हुई है और जल्द ही हो सकता है इसरो या फिर नासा इस ग्रह पर अपना कोई मिशन भेजे। इस ग्रह के बारे में एक बात और बहुत खास है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। जी हाँ, यहाँ मात्र 18 घंटे में एक साल पूरा हो जाता है। चौंक गए ना? जहाँ हमारी पृथ्वी पर साल 365 दिन का होता है, वहीं यहाँ सिर्फ 18 दिन भी नहीं बल्कि पृथ्वी के 18 घंटे का ही। जबकि इस ग्रह के तापमान की बात करें तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 डिग्री। जहाँ हमको पृथ्वी पर 40 डिग्री के बाद तापमान सहन नहीं होता, वहाँ इस ग्रह पर जला देने वाला 2000 डिग्री तापमान होता है। हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका आधिकारिक नाम 55 कैंक्राई ई है। इसे वैज्ञानिकों ने साल 2004 में खोजा था। तब से ही दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों की नजर इस ग्रह पर है। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इस ग्रह को एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरज का चक्कर नहीं लगाते बल्कि ऐसे सितारे का चक्कर लगाते हैं जिन पर कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है। उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर भी कार्बन ज्यादा होता है और सही हालात होने पर ये कार्बन हीरे में तब्दील हो जाते हैं। दरअसल हीरे का प्राकृतिक रूप से निर्माण तभी होता है जब कार्बन बहुत अधिक तापमान पर गर्म हो जाए। इस ग्रह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इस ग्रह पर भी कार्बन का अनुपात ज्यादा है और ये जिन तारों का चक्कर लगाता है उन पर भी कार्बन का अनुपात ज्यादा है। ऐसे में जब ये ग्रह कार्बन के तारों का चक्कर लगाते हैं तो कई बार इनका तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि इन पर मौजूद ग्रेफाइट हीरे में बदल जाता है। इस हीरे वाले ग्रह के बारे में क्या आपको जानकारी थी और इसरो या नासा कौन इस ग्रह पर सबसे पहले पहुंचेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।
इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।